हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाख रुपीस के 1440p गेमिंग एंड 4K वीडियो रेटिंग पीसी बिल्ड के बारे में, जो आने वाले 2-3 साल तक फ्यूचर अपग्रेडेबल भी रहेगा, जिसके लिए हमने सारे लेटेस्ट कंपोनेंट को सिलेक्ट किया है एंड ये 1 लाख रुपीस के अंदर काफी बढ़िया एंड पावरफुल पीसी बनेगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। CPU से शुरुआत करें तो CPU के लिए हमने सिलेक्ट किया है Ryzen 5 7600। अब इस CPU को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एक तो ये अपनी प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया और पावरफुल CPU है एंड ये AM5 सॉकेट पे बेस्ड है जो फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी सपोर्ट करता है, क्योंकि इंटेल के साथ जो 14th जनरेशन के CPUs है वो LGA 1700 सॉकेट पे आखिरी जनरेशन है। नई जनरेशन जो आएगी वो नए सॉकेट पे आएगी, इसीलिए LGA 1700 सॉकेट उतना फ्यूचर प्रूफ नहीं है। अब अगर हम अपने Ryzen 5 7600 की बात करें तो ये 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का CPU है जो 3.8 GHz की बेस एंड अप टू 5.1 GHz तक की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। 38 MB की इसमें आपको कैश मेमोरी मिल जाती है एंड इस CPU में 2 कोर वाले इनबिल्ट रेडियन ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं जो 2200 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे सेट हैं। एंड लास्ट में अगर हम इस CPU की प्राइस की बात करें तो Ryzen 5 7600 आपको अभी के टाइम पे 19,000 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा एंड अपनी प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया CPU है। अब आप इस CPU को इसके रेथ स्टेल्थ कूलर के साथ भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आफ्टर मार्केट कूलर ले ही लो, जैसे डीप कूल का AK400 हो गया जो आपको 2500 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा, जिससे ये CPU बेटर परफॉर्म करेगा। बोर्ड की बात करें तो वो आप B650 चिपसेट वाला ले सकते हो, जैसे गीगाबाइट का B650 MDS3H हो गया जो 15,000 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं एंड अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा मदरबोर्ड है। रैम की बात करें तो आप इस पीसी को 1440p गेमिंग एंड 4K वीडियो एडिटिंग जैसे वर्क के लिए यूज करने वाले हो, तो ऐसे वर्क के लिए 32 GB की रैम तो होनी ही चाहिए, इसलिए रैम के लिए हमने सिलेक्ट करी है क्रूशियल प्रो की 32 GB DDR5 रैम किट, जिसमें आपको 16 GB की 2 स्टिक्स मिलती है जो आती है 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड्स के साथ। एंड अगर हम इस रैम किट की प्राइस की बात करें तो क्रूशियल की ये रैम किट आपको आराम से 12,500 रुपीस के आसपास की मिल जाएगी एंड इतनी रैम हमारे पीसी के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं अपने पीसी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो है ग्राफिक कार्ड। अब लगाने को तो आप 7600 के साथ 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो, उसे भी ये बॉटलनेक नहीं करेगा, बट 4090 तो नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 लाख के पीसी में अगर 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड मिल जाता तो क्या ही होता। तो इस बजट में सबसे बढ़िया ग्राफिक कार्ड जो है इस पीसी के लिए वो है RTX 4060 Ti, जिसके कुछ मॉडल आपको अंडर 40,000 रुपीस के भी मिल जाएंगे, जैसे जोटेक का RTX 4060 Ti Twin Edge हो गया जो आपको 37,500 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा, जो 8 GB GDDR6 VRAM के साथ आता है। 4,352 CUDA कोर्स आपको इस ग्राफिक कार्ड में मिल जाते हैं, अप टू 2,535 MHz तक की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। 128 bit की मेमोरी बस आपको इस ग्राफिक कार्ड में मिलती है, और अगर हम मेमोरी क्लॉक की बात करें तो वो यहाँ पर आपको इस ग्राफिक कार्ड में 18 GBPS की मिलती है, जो आपको अच्छे लेवल की 1440p गेमिंग करवा सकता है एंड कुछ कुछ गेम्स तो ये 4K पे भी चला देगा। एंड अगर आप हाई एंड 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो, बाकी ब्लेंडर वगैरह आप चलाना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब अगर हम स्टोरेज की बात करें तो वो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लगा सकते हो, बट अभी के लिए हमने सिलेक्ट करी है WD की ब्लू SN581TB की PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD जो अप टू 4150 MBPS की स्पीड्स के साथ आती है। एंड अगर हम इस SSD की प्राइस की बात करें तो ये आपको 5600 रुपीस के आसपास की मिल जाएगी। पावर सप्लाई की बात करें तो इस पीसी के लिए आप 650W की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई ले सकते हो, वो इनफ रहेगी, जैसे MSI की मैग A650BN हो गई जो आपको 4700 रुपीस के आसपास की मिल जाएगी। कैबिनेट की बात करें तो वो आप कोई सा भी लगा लो जो आपको अच्छा लगे, बट मैं बोलूंगा थोड़ा सस्ता वाला ही लगाना, क्योंकि कैबिनेट में ज्यादा पैसे डालने से कोई फायदा तो है नहीं, इससे बढ़िया आप वो पैसे उस कंपोनेंट में लगाओ जिससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। जैसे अभी के लिए हमने सिलेक्ट किया है डीप कूल का मैट्रिक्स 40 जो एक M80X कैबिनेट है जो आपको 2900 रुपीस के आसपास का मिल जाएगा एंड ये दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है एंड इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, तो आप इस कैबिनेट के साथ भी जा सकते हो। एंड अगर आप एडिशनल केस फैंस लगाना चाहते हो अपने पीसी में तो एंटी स्पोर्ट्स की एक नॉन RGB फैंस की किट आती है डार्क फ्लो नाम से, जो आपको 1300 रुपीस के आसपास की मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 फैंस मिलेंगे 120mm के, तो अगर आप फैंस लगाना चाहते हो तो आप इस वाली फैन किट के साथ भी जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपीस का 1440p गेमिंग एंड 4K वीडियो रेटिंग पीसी बिल्ड कंप्लीट, जिसमें आपको आने वाले 2-3 साल तक काफी बेहतरीन लेवल के फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी बिना मदरबोर्ड बदले। AM5 पे अभी 2-3 जनरेशन और आएंगी AMD CPUs की, तो फ्यूचर में आप उन पे अपग्रेड कर सकते हो। तो ओवरऑल ये पीसी अपनी प्राइस के हिसाब से आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा एंड अगर आप इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड जितने भी पीसी कंपोनेंट्स की मैंने इस वीडियो में बात करी है सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप अमेजोन से कुछ बाय करना चाहते हो तो उसका भी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके बाय करना। तो मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।